बाइबल रिफ्लेक्शन आप लोगों के साथ। आइए नजर डालते हैं सबकी खास खबरों पर। खेल मंत्री अशोक चन्ने ने राजस्थान विभिन्न सेवा संशोधन नियम 2019 बनाए जिसमें खिलाड़ियों को बहुत सुविधाएं उपलब्ध होंगी। खेल मंत्री अशोक चन्ने ने कहा, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब। राजस्थान विविक सेवा संशोधन नियम 2013 में खिलाड़ियों के हित में व्यापक संशोधन कर संशोधित नियम राजस्थान विभिन्न सेवा नियम 2019 बनाए गए हैं। खेल विभाग द्वारा अन्य विभागों डीओपी, विधि विभाग, वित्त विभाग से समन्वय स्थापित कर अल्प विधि में इन नियमों को मूर्त रूप दिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय खेल विभाग डीओपी, वित्त विभाग, विधि विभाग के अंतर्गत अधिकारी कर्मचारियों के सतत प्रयास व परिश्रम के कारण खिलाड़ियों को रोजगार देने वाला यह नियम बना। अशोक चन्ने ने कहा, इसके लिए सभी अधिकारी कर्मचारी साधुवाद के पात्र है। घोषणा पत्र कैसे कंप्लीट हुआ और मैं तो कह रहा हूं सबसे पहले स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट होगा जो कि घोषणा पत्र की सारी मेहनत पूरी करने वाला डिपार्टमेंट होगा। और बाकी आपके कोई सवाल हैं तो आप कल प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक में पत्रकार सम्मान समारोह और दीपावली स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया। 26 नवंबर को जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जार जयपुर द्वारा प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक में पत्रकार सम्मान एवं दीपावली स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर जाकर स्मारिका का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम के विधायक रामलाल शर्मा, गोपाल शर्मा, जयपुर महानगर टाइम्स के संपादक और जार के संपादक गोपाल शर्मा, पूर्व अध्यक्ष कर्मचारी लीडर जगदीश शर्मा उपस्थित रहे। पत्रकारों के हितों के लिए उनके आवास, चिकित्सा, स्वास्थ्य आदि से संबंधित उनकी सुविधाओं के संबंध में राजस्थान सरकार से वार्तालाप करने का निर्णय भी लिया गया। राजस्थान की यातायात पुलिस हुई सख्त, नाबालिग स्कूल वाहन चालकों पर पुलिस कर रही है कार्रवाई। यातायात पुलिस द्वारा चलाया स्कूल नाबालिग वाहन चालकों के विरुद्ध अभियान। नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने एवं बालवाहिनी के नियमों के पालन न करने पर की कार्यवाही। यातायात के 12 पुलिस निरीक्षकों ने प्रत्येक ने दो दो टीम बनाकर 12 स्थानों पर सख्त कार्रवाई की। 33 स्कूल नाबालिग वाहन चालकों के साथ साथ कुल 513 वाहन चालकों के विरुद्ध एमवी एक्ट की कार्रवाई हुई। नाबालिग बच्चों को वाहन देने पर अभिभावकों को भी 3 साल की जेल हो सकती है, साथ ही वाहन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी किया जा सकता है। यातायात पुलिस जारी रखेगी इस अभियान को। इस बुलेटिन में बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज़19। नमस्कार।